अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, जहां तक महागठबंधन का सवाल है, हमारा महागठबंधन इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सभी जो इसके अलायंस में जो घटक दल हैं, वो लोग सब आपस में मिलजुल करके बात कर रहे हैं, और एक हरमास के बाद यानी कि 15 के बाद आप देखेंगे कि जॉइंटली सारा काम होगा और सब तरह से बात करेंगे। थोड़ा सा लीडरशिप का जहाँ तक मामला आता है, तो उसमें हमारा मानना है, हम तेजस्वी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अपना प्रथम स्थापना दिवस में एक फार्मूला लिया है, चौपट किया है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो, या हम सरकार बनाने में मदद करेंगे तो, हमारी मांग रहेगी कि दो डिप्टी सीएम रहेंगे और एक सीएम रहेंगे। एक तीनों पद में एक शेड्यूल कास्ट रहेंगे, एक शेड्यूल एक अति पिछड़ा रहेंगे और एक मुसलमान रहेंगे। ये हमारा पार्टी का व्यक्तिगत अपना राय है और सिद्धांत है। इसी प्रकार से जदयू राजद ने कह दिया है कि हाँ, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो उनकी बात है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि घटक दल जो महागठबंधन के हैं, एक साथ मिल जाए और मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके डिक्लेयर कर दें कि कौन हमारा नेता होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, समन्वय समिति बने, और उस समन्वय समिति के माध्यम से इस सारा बात का खुलासा हो जाए और डट करके हम लोग भाजपा का और NDA सरकार का हम लोग विरोध करें, और 2020 में हर हालत में ऐसा हम लोग को प्रयास करना चाहिए जिससे कि किसी भी सूरत में NDA की सरकार यहाँ नहीं। बस छोटा समझ लेंगे, पप्पू यादव अगर वापस आपके अलायंस में आना चाहेंगे तो उनको स्वीकार करेंगे? देखिए, ना भाजपा और NDA के खिलाफ में जो भी सहयोग करने की बात होंगे, व्यक्तिगत रूप में हम उनके लिए स्वागत की बात करेंगे, लेकिन अकेला अभी हम कह रहे हैं, ये बात निर्भर करती है कि महागठबंधन के सभी घटक, समन्वय समिति की बात हम कहा, उस समन्वय समिति में अगर ये तय हो जाएगा कि हाँ, उनको साथ लेना है तो उसका निर्णय होगा। लेकिन व्यक्तिगत जहाँ तक सवाल है, जैसे कहा गया ना कि व्यक्तिगत, मैं अभी भी मानता हूँ कि तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री कहेंगे हो सकते हैं, लेकिन हम अकेले कहने से काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से पप्पू यादव हमारे यहाँ आ रहे हैं, स्वागत है, ये व्यक्तिगत रूप में मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन का हमारा स्पोक्समैन तो नहीं है, इसलिए ऊँची बैठक होगी, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें दोनों आएगी कि क्या किया गया। बिल्कुल, तो ये जीतन राम मांझी थे जो कि नतीजे